हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी भोजनशाला में। आज हम बनाएंगे कच्चे केले के चिप्स। ये चिप्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इस चिप्स को व्रत में बना करके खाएं। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इससे पहले कि फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो हमने यहाँ पर चार कच्चे केले लिए हैं, 1/4 नमक लिया है मैंने और 2-3 चम्मच पानी लिया है और इसका मैंने एक घोल बना करके तैयार कर लिया है। इस घोल को हम जब चिप्स तलेंगे तो तेल में थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे, तो इससे हमारी चिप्स बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनेगी। चिप्स तलने के लिए हमें तेल चाहिए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तेल को गर्म रख देते हैं। तो तेल को हम धीमी आग पर गर्म रखेंगे। तेल गरम होता है जब तक हम केले को छील लेते हैं। केले का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे हमें हटाना है। चाकू से हम इस तरीके से केले को छील लेंगे। ये चिप्स खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, आप इस चिप्स को जरूर बनाएं। ये देखिए, हमने केले को छील लिया है और बाकी बचे हुए केले भी हम इसी तरीके से छील लेंगे। ये देखिए, हमने सारे केले छील लिए हैं, अब हम इसके चिप्स बनाएंगे। तो चिप्स बनाने के लिए हमने इस तरह का कटर लिया है, चिप्स कटर बोलते हैं इसे। अगर आपके पास चिप्स कटर नहीं है तो आप चाकू की सहायता से भी इसके गोल गोल छोटे छोटे पतले पतले पीस करके तल सकते हो। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है तो अब हम चिप्स तलते हैं। चिप्स तलने के लिए हमें ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, मीडियम गरम ही तेल चाहिए। तो इस तरीके से ग्रेटर को हम इस तरीके से रखेंगे कढ़ाई के ऊपर और इस तरीके से हम चिप्स बनाएंगे। ये काम आप बहुत सावधानी से करें। ये देखिए, हमने सारे चिप्स को इसमें घिस दिया है। अब हमने जो पानी रखा हुआ है वो पानी हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे। ये नमक वाला पानी है, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें। पानी डालने के बाद इस तेल में से थोड़े छींटे उड़ते हैं, तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। अब इस चिप्स को दोनों साइड से इसी तरीके से अलट पलट करके हम इसे क्रंची होने तक तलेंगे। ये देखिए, चिप्स हमारे क्रंची हो गई है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप डायरेक्ट कढ़ाई पर चिप्स नहीं बना सकते हो तो आप इस तरीके से भी चिप्स बना सकते हो। कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसके ऊपर चिप्स कटर रख करके और इस तरीके से चिप्स बना सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से हमें चिप्स बना लेना है। ये हमने चिप्स बना लिए हैं, अब हम एक एक करके चिप्स को तलेंगे। तेल में हम एक एक करके चिप्स डालते जाएंगे। ये हमने सारा चिप्स डाल दिया है, अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा फ्राई हो चुका है तो हम इसमें नमक वाला पानी डाल देते हैं और इसे हम दोनों साइड से इसी तरीके से ही अलट पलट करते हुए इसे क्रिस्पी होने तक तलेंगे। ये देखिए, चिप्स हमारी क्रिस्पी हो गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं।
कि देखिए बहुत ही अच्छे चिप्स बने हैं, तो इसे अब हम प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चिप्स बनकर के तैयार है। एक चिप्स मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार मसाला डाल सकते हैं, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर,